करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये कह रहा है इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो। देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ होता है ना, ऊपर कुछ नंबर होता है नीचे कुछ नंबर होता है, तो ये फॉर्म कहलाती है फ्रैक्शन। कौन सी फॉर्म कहलाती है ये वाली? फ्रैक्शन फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे किस फॉर्म में लिखने को बोला है? क्वेश्चन ने हमसे बोला है डेसिमल फॉर्म। देखो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, हमें इसे किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और हमें ये भी बताना है किसके अंदर कौन से काइंड का डेसिमल है। ध्यान रखना डेसिमल के भी दो काइंड होते हैं, मतलब डेसिमल भी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखना ये कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वो हम सीख लेते हैं और वो बहुत आसान काम है सीखना। मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा डेसिमल जो खत्म हो जाए। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ऐसा डेसिमल जो खत्म हो जाए। जैसे कि देखो 2/5 लिखा हुआ है, अगर मैं 5 से डिवाइड देता हूं, बोर्ड पे देखो, नीचे वाले से डिवाइड देते हैं हम हमेशा। हमेशा डिवाइड किससे दिया जाता है? नीचे वाले से। और किसको दिया जाता है? ऊपर वाले को। तो जिसको डिवाइड दिया जाता है ना, उसको रखते हैं अंदर। कभी कभी क्या होता है, आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि किससे किसको डिवाइड देना है। तो ध्यान रखना नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड देते हैं। नीचे वाले को तो रखते हैं बाहर और ऊपर वाले को रखते हैं अंदर। अब देते हैं डिवाइड। मुझे बताओ क्या 5 से 2 काट सकते हो? नहीं है ना, 5 से 2 नहीं कट सकता। तो पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं ना। हमेशा ध्यान रखना जब भी अंदर वाली डिजिट छोटी होती है ना और नहीं कट पाती है, तो हम पॉइंट लगा के क्या कर सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। तो बोर्ड पे देखो मैं कैसे करूंगा। मैंने यहां पर पॉइंट लगाया और यहां पर 1 0 लगा ली, क्या अब बड़ा हो गया अंदर वाला? बताओ अंदर वाली डिजिट क्या है? 20। और बाहर वाली डिजिट क्या है? 5। काट सकते हैं ना, अब काट सकते हैं। बताओ कितने पर जाएगा? 5 4 20 होता है भाई। भाई 5 का टेबल तुम्हें आना चाहिए, तुम लोग 9th क्लास में हो। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। 5 के टेबल में 20 तो आता है और 4 पर आता है। अब देखो कैसे काटूंगा मैं। 5 4 20 कट गया ना पूरा। इसका मतलब डेसिमल फॉर्म क्या आ गई? देखो पॉइंट से पहले 0 लगा लेता हूं मैं अक्सर, 0.4। मैंने क्या करा, पॉइंट से पहले यहां पर क्या लगा ली? 0। पॉइंट से पहले जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, तुम जितनी मर्जी लगाओ। पॉइंट से पहले इस साइड तुम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हो। तो मैंने क्या लिख दिया, डेसिमल फॉर्म 0.4। तो बोर्ड पे देखो 2/5 की डेसिमल फॉर्म क्या आ गई? 0.4 आ गई है ना। 2/5 की डेसिमल फॉर्म 0.4 आ गई। बताओ क्या ये खत्म हो गया था? बिल्कुल 4 पे बिल्कुल खत्म हो गया था। तुम देख सकते हो 4 पर 20 आया था ना, पूरा ये डेसिमल खत्म हो गया था। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए पूरा, मतलब रिमाइंडर कुछ बचे ही नहीं, पूरी तरह से क्या हो जाए? खत्म, और ना ही डेसिमल चले बार बार, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाए। तो खत्म हमारा हो गया, इसलिए ये 2/5 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। तो समझ रहे हो ना। खैर अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, तब तुम्हें ज्यादा बातें समझ में आएंगी टर्मिनेटिंग की। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 36/100। मुझे बताओ इन्होंने ये हमें फॉर्म कैसी दे रखी है? फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है ना। ये हमें क्या दी गई है? फ्रैक्शन फॉर्म। और अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में। देखो ये ऐसे क्वेश्चन करना तो बहुत आसान होता है। जब भी नीचे कोई अपॉन 0 वाली टर्म लिखी भी होती है ना अपॉन में, जैसे कि 100 लिखा हुआ है, इस समय अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 100। तो ऐसे करने तो बहुत आसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। देखो बोर्ड पे कितनी आसानी से ये हो जाएगा।
मुझे बताओ नीचे कितनी, पहले एक काम करे करो, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, ऊपर वाली डिजिट उतार दो। क्लियर? मैंने क्या करा, ऊपर वाली डिजिट उतार दी। अब नीचे मुझे बताओ कितने जीरो थे, नीचे देख कर बताओ, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो। नीचे कितने जीरो हैं? दो जीरो। और जब भी नीचे दो जीरो होए करे ना, ऊपर कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है? दो डिजिट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीचे कितनी जीरो थी? दो जीरो। ऊपर भी कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे? दो डिजिट। अब बोर्ड पे देखो, एक डिजिट छोड़ी, दो डिजिट छोड़ी, पॉइंट आ गया यहां पर। देखो पॉइंट इधर आ गया, और मैंने बताया था पॉइंट के बाद जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो। तो हमारी डेसिमल फॉर्म क्या बन गई? 0.36। और मुझे बताओ इस तरह का डेसिमल क्या खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल? क्या आगे कोई डेसिमल चल रहा है? ये नहीं, खत्म हो गया। और अगर डेसिमल खत्म हो गया तो ये डेसिमल कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई डेसिमल खत्म हो जाता है तब वो टर्मिनेटिंग होता है। देखो इसी के बेस पर मैं तुम्हें एक और देता हूं, अपनी तरफ से, बुक के अंदर नहीं है, फर्स्ट पार्ट के नीचे ही स्टार बना के लिखो मेरी तरफ से। देखो बोर्ड पे 253 अपॉन में 100, 253 अपॉन में 100। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब भी नीचे जीरो वाली टर्म होती है तो ये तो बड़े आसान होते हैं, जो भी ऊपर लिखा हुआ है ना उसे ऐसे उतार दो। क्या लिखा हुआ है? 253। उतार दिया भाई 253, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उतार दिया। नीचे देखो कितनी जीरो थी, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग तो लगाओ मत। देखो कितनी जीरो है, एक दो, दो जीरो है, ठीक है। मैं ऊपर कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा? दो डिजिट। नीचे होंगी तीन जीरो तो कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा? तीन डिजिट। नीचे होंगी चार जीरो तो कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा? चार डिजिट। अब देखो कैसे, नीचे थी दो जीरो तो दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। बोर्ड पे देखो, एक डिजिट, दो डिजिट, पॉइंट आ गया यहां पर। क्लियर? ये बन चुकी है हमारी डेसिमल फॉर्म। अब मुझे बताओ क्या ये डेसिमल चल रहा है अभी भी? नहीं, ये खत्म हो गया है। खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये डेसिमल भी कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है? एक और लो मेरी तरफ से, एक्स्ट्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। एक और देखो, 25678 और अपॉन में ले लेते हैं 1000। मैंने बताया था जब भी अपॉन में जीरो वाली टर्म होती है तो ये तो बहुत आसान होते हैं, ऊपर वाली डिजिट ऐसे ही उतार दो। 25678 उतार दी। नीचे बताओ कितनी जीरो है? तीन जीरो। कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा? तीन डिजिट। देखो, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, तीन इसे भी छोड़ दिया, यहीं पर पॉइंट आ गया। क्लियर हो गया ना? तो जब भी अपॉन में इस तरह के जीरो वाले नंबर आए तो इनको तो डेसिमल फॉर्म बनाना बहुत आसान होता है। और अब तो तुम्हें ये बात रट गई होगी कि ये हमेशा टर्मिनेटिंग ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। वन बाय इलेवन, तो देखो अगला डेसिमल, अगला फ्रैक्शन है डेसिमल में, ओ फ्रैक्शन है 1/11। तो देखो इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बिना डिवाइड के हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, डिवाइड करने में कौन सी हमें मेहनत करनी है। देखो मैंने बताया था बच्चों को अक्सर लगता है कि छोटी वाली से बड़ी को डिवाइड दिया जाता है। नहीं, सही तरीका ये नहीं कि छोटी से बड़ी को डिवाइड दिया जाता है, सही तरीका ये है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड देना होता है। नीचे वाले से, देखो वोट पे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड देना है। ऊपर वाले को रखते हैं अंदर, नीचे वाले को रखते हैं बाहर। अब देते हैं डिवाइड। मुझे बताओ क्या वन छोटा नहीं है? वन तो छोटा है इलेवन से। और मैंने बताया था जब भी कोई डिजिट छोटी होती है तो पहले पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे? जीरो। अब बोर्ड पे देखो जरा, एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इस तरह से। देखो पॉइंट लगाया,
जीरो लगा ली। बताओ 10 अभी भी छोटा है 11 से या बड़ा है? 10 तो अभी भी छोटा है ना, 10 अभी भी छोटा है। अब ये मत सोचना कि एक और जीरो लगानी है तो एक और पॉइंट लगाओगे, नहीं ऐसे नहीं होता। एक पॉइंट से एक ही जीरो ले सकते हो एक समय में। मैंने क्या बोला? एक पॉइंट से एक ही जीरो ले सकते हो एक समय में। अगर तुम्हें और जीरो चाहिए तो पता है क्या करना पड़ेगा? देखो पहले तो तुमने पॉइंट से जीरो ले ली, अब तुम्हें एक जीरो और चाहिए क्योंकि 10 तो अभी भी छोटा है ना, 10 तो अभी भी छोटा है। अब तुम्हें एक जीरो और चाहिए ना, तो देखो एक जीरो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेना कैसे वो देखो, अगर तुम्हें पॉइंट के बाद जीरो की और जरूरत पड़ती है ना, तो देखो कैसे लेते हैं। यहां पर भी जीरो लगा दो, यहां पर भी लगा दो, देखो 100 बन चुका है। क्या 11 से बड़ा है? बिल्कुल। देखो अगर अभी भी छोटा होता ना, अगर अभी भी अंदर वाली डिजिट छोटी होती जीरो लगाने के बाद भी, मतलब दो दो जीरो लगा दी उसके बाद भी डिजिट छोटी होती, तो तुम और ले सकते हो। देखो एक जीरो और लगाई, फिर लगाई, फिर लगाई, फिर लगाई, ले सकते हो जितनी मर्जी। लेकिन एक पॉइंट से तो एक ही जीरो ले पाओगे, इस टेक्निक से तुम जितनी मर्जी ले सकते हो। फिलहाल मैं ये एक्स्ट्रा जीरो हटा देता हूं क्योंकि मुझे तो 100 मिल चुका था और वो 11 से बड़ा होता है। अब देखो काटेंगे ना, बताओ 11 से 100 काटना है तो 100 तो पूरा नहीं आता, लेकिन 9 पर कितना आता है? 11 9 जा 99। 11 का टेबल ध्यान है ना, 11 का टेबल तो हर किसी को ध्यान रहता है। 11 9 जा 99, बोर्ड पे देखो 11 9 जा 99। बताओ 100 में से 99 जाएगा, कितने बचेंगे? 1। जरा गौर करो इस बात पर, देखो बोर्ड पे 1 आ गया ना, ये तो बात गड़बड़ हो गई। शुरुआत भी हमने किससे करी थी? 1 से। बोर्ड पे देखो शुरुआत भी हमने किससे करी थी? 1 से। फिर से क्या आ गया? 1। इस तरह के जो डेसिमल होते हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, समझ रहे हो? इस तरह के जो डेसिमल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें रिपीट होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, जीरो मिल जाए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रिपीट होता रहता है। देखो 1 से शुरुआत करी, 1 फिर आ गया, समझ रहे हो? अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं करने वाले, ठीक है? ध्यान रखना अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। खैर जो डेसिमल फॉर्म आई है ना उसे लिख लो, 0.09। देखो मैंने पॉइंट से पहले फिर जीरो लगा दी, पॉइंट से पहले तो तुम जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, लगाओ या मत लगाओ। देखो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए मैं लगा देता हूं। तो देखो ये रिपीट हो रहा था ना, 1 फिर से आ गया। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कौन सी डिजिट से शुरुआत करी थी, और अगर वही डिजिट आई है तो वहीं पे रुक जाओ। 1 से शुरुआत करी थी, 1 आ गया, रुक जाओ, अब आगे डिवाइड बिल्कुल मत करना। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, आगे बिल्कुल भी डिवाइड मत करो। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि कहीं वो डिजिट दोबारा तो नहीं आ गई, अगर दोबारा आ जाए तो रुक जाओ, और जितना डेसिमल आता है ना उस डेसिमल के ऊपर लगा दे करो बार। इसका मतलब समझते हो? बार का ये जो ऊपर मैंने लाइन खींची है ना, इस लाइन को बोलते हैं बार, और बार का मतलब ये होता है कि ये डिजिट ये डेसिमल बार बार आएगा, गारंटी है आएगा ही आएगा, और ऐसे डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको ड्रॉ कर लो, डेसिमल वाले डिवाइड वाले पार्ट को, रफ काम नहीं है ये, फेयर काम है, तुम्हें दिखाना है। फिर यहां पर लिखना नीचे और फिर लिखना नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर हो गया ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो डिजिट एक से दोबारा आ जाए तुरंत रुक जाओ, जो डिजिट एक से दोबारा आ जाए रुक जाओ, और उस पर लगा दो बार। क्या लगा दो उसके ऊपर? बार। बार का मतलब है ये बार बार आएगी, ठीक है? अगला पार्ट देखते हैं। देखो अगला जो उन्होंने फ्रैक्शन दिया है वो बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन तुमने 8th क्लास में 7th क्लास में खूब पढ़े होंगे, जहां तक मेरा आइडिया है, अगर थोड़ी मेहनत से काम करा हो तो। एक काम करते हैं, पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बना लेता हूं, और मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाने में कोई
बहुत बड़ी कसरत नहीं करनी होती, बहुत आसान काम है। देखो कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे देखो। 8 4 कितने होते हैं, 32। 8 4 32, और 32 में +1 करा 33। भाई मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाना मैं नहीं सिखा सकता, वो तुम लोगों को खुद से हो आना चाहिए पहले से ही। बस मैं थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। देखो 8 4 कितने होते हैं, 32 है ना। 8 4 32, और 32 में +1 कर दिया 33। 33/8 मिक्स फ्रैक्शन। बेशक मैंने इतना बता दिया फिर भी दिक्कत हो रही है तो मुझसे पूछ लेना क्लास में। अब आगे बढ़ते, अब आगे का काम तो हमारा वही है भाई, है ना। डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो चेक करते हैं। तो देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड दिया जाता है, हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड देते हैं, ना कि छोटे से बड़े को। छोटे से बड़े को डिवाइड देने का कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक ये है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को देते हैं। अब देखो कैसे, बताओ 33 8 पर पूरा तो नहीं आता, लेकिन ना 8 4 32 तो आते हैं। तो बोर्ड पे देखो 8 4 32, बताओ कितना रिमाइंडर रह गया, 3 में से 2 गए, 1 है ना। बताओ क्या 1 कट सकता है, नहीं, 1 तो छोटा होता है ना, 8 से 1 छोटा होता है। पॉइंट लगा लेंगे, देखो बोर्ड पे पॉइंट लगाया, 0 लगाई। बताओ क्या 10 बड़ा होता है 8 से, बिल्कुल। अब डिवाइड हो सकता है, कितने पर जाएगा, 1 पर जाएगा। देखो 8 1 8, 8 1 8 होता है, 10 में से 8 गया 2, 2 फिर से छोटा होता है 8 से, फिर से हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना पॉइंट तो एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता, उसी पॉइंट से फिर 0 ले लो, ये ले ली उसी पॉइंट से 0। अब देखो अब कितने पर जाएगा, 8 2 कितने होते हैं, 16। देखो बोर्ड पे 8 2 16, कितने बचेंगे, 10 में से 6 गए, 4। 4 फिर छोटा होता है, फिर पॉइंट से 0 ले लो, पॉइंट हमने पहले ही लगा रखा है, फिर 0 ले ली। अब जा सकता है ये पूरा, बताओ कितने पर आता है, 40। 8 के टेबल में 40 आता है, कितने पर आता है, 8 5 जा, तो देखो 8 5 जा 40, कट गया ना पूरा। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जब पूरा डिवाइड खत्म हो जाए, ऐसा डेसिमल जब पूरा डिवाइड क्या हो जाता है, खत्म, तब वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको फेयर में नोट करना डिवाइड को, और फिर लिखना फ्रैक्शन फॉर्म आइए 4.125, और ये है हमारा टर्मिनेटिंग, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पूरा इसको नोट करो जैसा मैंने डिवाइड बोर्ड पर करा है, और नीचे लिखना इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। थ्री अपॉन में 13, 3 अपॉन में 13, फिर से डिवाइड देंगे भाई, देखकर थोड़ी ना पता चल रहा है, डिवाइड ही देना पड़ेगा। देखो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखते ही पता नहीं चलता, तुरंत क्या करे करो, डिवाइड, ठीक है। वैसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड करे देखने का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका 10th में बताया गया है, 9th क्लास में उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर तो तुम्हें डिवाइड देकर ही बताना है। बिना डिवाइड करे डायरेक्ट बताओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, डायरेक्ट नहीं बता सकते, डिवाइड देकर ही बताना है, डिवाइड दिखाना है फेयर काम में, रफ में नहीं दिखाना, डिवाइड फेयर वर्क में तुम्हें करना है। टेस्ट के अंदर जब करोगे तो डिवाइड शो करनी है, पेपर के अंदर भी करोगे तो भी तुम्हें डिवाइड शो करनी है, लेकिन 10th क्लास में इसका शॉर्ट तरीका होता है, वो मैं भी नहीं बता सकता, वो 10th क्लास में अभी बताने का फायदा नहीं है। खैर 3 अपॉन में 13, तो देखो बोर्ड पे फिर से 13 बाहर करा, 3 अंदर। बताओ 3 तो छोटा है ना, 3 तो छोटा है, क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा। देखो बोर्ड पे पॉइंट लगाया, 0 लगाई, क्या अब काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, कर देते हैं डिवाइड। बताओ कितने पर जाएगा, पहले 2 पर,
क्योंकि 13 2 जा कितने होते हैं, 26। 13 2 जा कितने माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, होते हैं 26। बताओ 10 में से 6 गए 4, क्लियर, 4 फिर छोटा आ गया। फिर से क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से जीरो लेनी पड़ेगी। पॉइंट तो हमने लगा ही रखा है, जीरो ले लो डायरेक्ट, ले ली जीरो। अब कितने पर जाएगा, अब जाएगा 13 3 जा, क्योंकि 13 3 जा कितने होते हैं, 39। 10 में से 9 गया 1, फिर छोटा है। फिर पॉइंट लगा के क्या करना पड़ेगा, जीरो लेनी पड़ेगी। देखो पॉइंट तो लगा हुआ है, जीरो ले ली, लेकिन जरा गौर करो, पॉइंट से तुमने जीरो तो ले ली, क्या 10 13 से बड़ा होता है? नहीं, ये तो अभी भी छोटा ही रहा, 10 तो अभी भी छोटा ही है, तुम्हें एक जीरो और लेनी है। अब जरा गौर करो, मैंने बताया था एक पॉइंट से एक समय पर एक ही जीरो ले सकते हो, एक पॉइंट से एक समय पर एक ही जीरो ले सकते हो, जो तुमने ले ली है अब नहीं ले सकते। अब अगर तुम्हें और जीरो चाहिए, तो मैंने बताया था और जीरो लेने का क्या तरीका होता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, और जीरो कैसे ले सकते हैं। देखो यहां पर भी जीरो लगाओ, यहां पर भी जीरो लगाओ, बताओ क्या 100 बड़ा आ गया 13 से, बिल्कुल बड़ा आ गया। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर अब भी बड़ा नहीं आता तो और जीरो ले सकते थे ना। देखो और जीरो लगाओ, और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ जब तक बड़ा ना आए, लेकिन हमारा पहले बड़ा आ चुका था, इसलिए मैं इन दो जीरो को हटा देता हूं, वरना हमारे मार्क्स में भी जीरो आएंगी। अब हम डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। अब हमें देखना है कि 13 के टेबल में 100 तो पूरे पे आता नहीं है, तो 100 से वो कौन सा नंबर है जो आता है, तो मैं एक आइडिया लगाता हूं, ठीक है। तो देखो 13 7 पे करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 2 91, ये ठीक रहेगा। देखो अगर टेबल याद ना हो करे ना, साइड में रफ में अंदाजा लगा ले करो कि यार 6 पे कितना आएगा, 7 पे कितना आएगा, और मल्टीप्लाई करके देख ले करो, पता चल जाता है। जैसे मैंने आइडिया लगाया कि 7 पे आएगा, तो 7 पे करके देखा 91, 8 पे करूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, 8 पे नहीं कर सकते, 7 पे ही ठीक रहेगा। तो देखो 13 7 जा 91, कितने बचेंगे, 10 में से 1 गए 9। फिर से मुझे बताओ ये डिजिट छोटी है ना, ये डिजिट हमारी छोटी है, एक काम करो, फिर पॉइंट तो लगा वही था, जीरो लगा ली, क्या दिक्कत है हमें लगाने में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो लगाने में, ठीक है। अब 90 है, अब देखते हैं, अब शायद 6 पर ठीक रहेगा, क्योंकि 7 पर अभी करा था, कितना आया था 91, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, 6 पर करके देखते हैं। तो देखो 13 6 जा 8 7 सॉरी 1 और 7 78, तो 13 6 जा होते हैं 78, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 7 गया 1, 12। बताओ 12 फिर से छोटा है ना 13 से, फिर पॉइंट लगा के क्या करना पड़ेगा, जीरो लगानी पड़ेगी। देखो पॉइंट तो लगा वही है, जीरो लगा लो, देखो नीचे स्पेस खत्म हो गया है, इसलिए मैं बाकी का डिवीजन उस साइड कर रहा हूं, यहां पर 120 के आगे का डिवीजन मैं उस साइड कर रहा हूं, उम्मीद है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम ऐसे मत करना, तुम अपने पेज पर रेगुलर रखना, कभी उसको भी तुम अलग से लिख दो, तुम अपने पेज के अंदर डिवीजन रेगुलर रखना 20 120 के नीचे से ही। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाकी का डिवीजन, तो हमारा आया है 120। अब देखते हैं, देखो पॉइंट लगा के मैंने जीरो लगा ली थी 120, अब देखते हैं 13 के टेबल में 120 पूरे पर आता है या नहीं। तो पूरे पर तो नहीं आता, लेकिन 9 पर करके देखते हैं 9 पर कितना आता है। बोर्ड पे देखो 13 9 जा 9 3 जा 27 2 9 1 जा 9 1 1 7, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो देखो बोर्ड पे 13 9 जा 1 1 7, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे करने में, तुम्हें मालूम है ना इसके नीचे का पार्ट मैंने वहां पे लिखा है, बस बताओ कितना आ गया, 10 में से 7 गए 3 बस 3। अब जरा गौर करो, मैंने कहा था हमें उस नंबर की तलाश होती है जो रिपीट हो जाए, गौर करो, देखो यहां पर क्या आया था 4, क्या रिपीट हुआ, नहीं। यहां पर क्या आया था 1, क्या रिपीट हुआ, नहीं। यहां पर क्या आया था 9, क्या रिपीट हुआ, नहीं। यहां पर क्या आया था 12, क्या रिपीट हुआ, नहीं। लेकिन हमने शुरुआत किससे करी थी, तुमने गौर करा हो तो,
थ्री से। हमने शुरुआत किससे करी थी? थ्री से। और यहां पे भी नहीं देख पा रहे हो ना, तो इधर देखो, देखो शुरुआत किससे करी थी? थ्री से। और थ्री हमारा आ चुका है। बताओ क्या ये रिपीटिंग है? बिल्कुल रिपीट है। थ्री से शुरुआत करी, थ्री दोबारा से आने लगा, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग। और रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने बताया था ना, ऐसे डेसिमल जिसमें रिपीट हो जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। खत्म तो नहीं हुआ ना ये खत्म कहाँ हुआ? ये तो दोबारा शुरू हो जाएगा अगर करने लग गए तो। अब हम नहीं करने वाले, अब हम इसको यहीं पर रोक देंगे। और ये जो डेसिमल आया है पूरा का पूरा, इसे उठा लो पहले। तो देखो अच्छा कहां सा बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए। 0.230769। मैंने बताया था जब भी डिजिट रिपीट होती है तो इसके पूरे के ऊपर क्या आ जाता है? बार। बार का मतलब है ये बार बार आएगा, गारंटी ये बार बार आएगा। और ऐसे डेसिमल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात मैंने बता दी है तुम्हें। रही बात पॉइंट से पहले जीरो लगाने की, ये बात भी मैंने बता दी थी। पॉइंट से पहले तुम जितने मर्जी जीरो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ना उस नंबर का ध्यान रखना होता है जिस नंबर से हमने शुरुआत करी थी, या फिर जो नंबर रिपीट हो गया है। कई बार क्या होता है, डिवाइड बहुत लंबी लंबी हो जाती है और बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता कि यार कब नंबर रिपीट हुआ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखे करो। जैसे थ्री आया, तुरंत मेरे को ध्यान आ गया यार थ्री से तो हमने शुरुआत करी थी, अब तो हम आगे डिवाइड ही नहीं करेंगे। और हम यहीं पर बोल देंगे कि ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर हमारा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11। तो वाला पार्ट भी बहुत आसान है, इसकी तरह ध्यान से करेंगे। तो करते हैं फिफ्थ पार्ट 2/11। इस बार जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है वो है हमारा 2/11। ठीक है, देखो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं हम हमेशा। कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड दिया जाता है, नहीं वो गलत तरीका है। हमेशा नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है। तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला 11 और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला 2। ठीक है, शुरू करते हैं। बताओ क्या 2 छोटा नहीं है? 2 तो छोटा है, क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं। पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगा के 0। तो करते हैं, देखो बोर्ड पे पॉइंट लगाया, 0 लगा ली, क्या काम चल गया? 20 बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। शुरू करते हैं अब डिवाइड। देखो 11 बन जा 11। क्लियर? कितना बचा रिमाइंडर? 9। बताओ क्या 9 बड़ा होता है? नहीं, 9 तो छोटा होता है। फिर से मैं पॉइंट से 0 लगाऊंगा, पॉइंट हमने पहले ही लगा रखा है, 0 लगा ली। ठीक है, अब देखते हैं अब कितने पर जाएगा? 8 पर। 88 भाई, देखो बोर्ड पे 11 8 जा 88। भाई 11 का टेबल तो बहुत आसान होता है, हर किसी को आना चाहिए, है ना? अब देखो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 2 भी बचा कुल मिलाकर। गौर करो, रिपीट नहीं हो गया भाई? इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखते ही पता चला है। देखो शुरुआत किससे करी थी? 2 से। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। जैसे ही हम ऐसा रिमाइंडर हमें मिलता है जिससे हमने शुरुआत करी थी, तुरंत रुक जाओ, तुरंत समझ लो कि ये तो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि टर्मिनेटिंग तो वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। और ये गारंटी है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं बार बार छुड़वा रहा हूं, नहीं, इनको तुम घर पे करके देखो, ये कभी खत्म होंगे ही नहीं, कभी नहीं आने वाला रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आने वाला इनमें, करके देख लेना। नहीं तो घर पे तुम्हारे पास दुनिया भर का खाली समय रहता है, उसमें तुम किसी भी एक डिवाइड को करके देखो, घर पे पेज भर जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला, ये वास्तव में खत्म होता ही नहीं है। या फिर किसी दिन मैं 1 घंटे की खाली वीडियो बनाऊंगा, केवल डिवाइड करके दिखाऊंगा, तो मैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला, कभी नहीं खत्म होने वाला। चाहे मैं बोर्ड को जितनी मर्जी बार रब कर करके उसे आगे ड्रॉ करूं, नहीं खत्म होगा, गारंटी यही है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिपीटिंग। अब हम यहीं पर रुक जाएंगे और डेसिमल को उठा लेंगे। डेसिमल क्या आया है? देखो
0.18। और मैंने बताया था जब भी रिपीट होता है तो इसके ऊपर मैं हर बार क्या लगा देता हूं, बार। और ये डेसिमल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये हमारा, और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ी डिजिट है अगला जो सिक्स पार्ट है, लेकिन वो बेहद इजी है। तो देखो 329 है अपॉन में 400 है। हाँ तो देखो फिर से मैं वही बोलूंगा, नीचे वाले को करेंगे बाहर, ऊपर वाले को रख देंगे अंदर, ये रख दिया अंदर। अब शुरू करते हैं डिवाइड। मुझे बताओ क्या 329 बड़ा होता है 400 से? क्या 329 400 से बिगर है? नहीं है, छोटा है ना। और तुम्हें मालूम है जब छोटा होता है तो हमें पॉइंट लगा के क्या करना पड़ता है, जीरो लगानी पड़ती है। तो करते हैं वही काम, देखो बोर्ड पे पॉइंट लगाया, जीरो लगा ली, अब तो भाई बड़ा हो गया। अब देखना ये कितने पर जाएगा। बड़ा तो हमने कर लिया, 3290 कर दिया, 3290। अब ये भी तो देख रहा है कि डिवाइड किससे करें। मुझे बताओ 4 8 32 होते हैं ना, उसी से देखो बोर्ड पे, देखो 400 की अगर 8 से करके देखें तो देखो 0 0 8 4 32, ये सही रहेगा भाई। यहां पर 3290 हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 3200। तो ये हम कर लेते हैं, 8 पे करते हैं, 4 8 32। देखो छोटी डिवाइड करके देखे करो, बस जीरो को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ। तुमने 8 से करके देखा, 8 से 4 पर करने पर कितना आ रहा था, 32 भाई। 8 से 4 पर करने पर कितना आता है, 32। तुमने सिर्फ इतना देखा है, 32 आसपास तो आ जाएंगे, और देखो आसपास आ भी गए। ठीक है अब रिमाइंडर देखते हैं कितना बच रहा है, 09 भाई, 90 आ गया। ये तो छोटा होता है, 400 से 90 छोटा होता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, पॉइंट तो लगा भाई ये पहले से ही, जीरो लगानी है बस, लगा लो। अब देखते कितने पर जाएगा भाई, अगर ये भी नहीं देखा तो फिर क्या देखा भाई, 4 2 8 होता है, बताओ 400 2 कितने हो जाएंगे, 400 2 800 नहीं होंगे क्या, 400 का दुगना 800। और हमारे काम की चीज तो बिल्कुल वही है, देखो बोर्ड पे, अब 2 से मल्टीप्लाई करी, 800 आ गया। अब कितना रिमाइंडर बचा, 009 में से 8 गया 1, अब 100 आ गया। क्या 100 बड़ा होता है 400 से? नहीं, ये भी छोटा होता है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा वही है, जीरो लगा लो। ठीक है अब देखते कितने पर जाता है। देखो फिर से 2 पर लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 पर ले लिया तो 4 3 कितने होते हैं, 12, 1200 बन जाएगा, 1200 ज्यादा हो जाएगा 1000 से, तो 1200 नहीं ले सकते, 2 पर ही रहना पड़ेगा। 400 2 जा कितने आ गए, फिर से 800। तो देखो 0 0 10 में से 8 गए 2, 200 तो फिर से छोटा होता है, 200 हमारा फिर से छोटा है, पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है, जीरो फिर लगा ली, 2000। मुझे बताओ 400 के टेबल में 2000 आता है? बिल्कुल आता है, 5 पर 5 चौक 20। देखो बोर्ड पे, इधर मैं करके दिखा रहा हूं, 400 की 5 से करी, 5050 और 5 4 20, 2000 आ गया। ठीक है तो 400 की 5 से करेंगे 2000, ये पूरा हमारा कट गया है ना, 2000 से 2000 गया। और मैंने बताया था जब भी कोई डेसिमल पूरा कट जाता है, खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है तो वो डेसिमल कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, तो ये टर्मिनेट हो चुका है। तो अगले स्टेप में पहले तो इसकी डेसिमल फॉर्म लिखना, ये आई इसकी डेसिमल फॉर्म 0.8225, और नीचे लिख देना इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो वैसे तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यूजलेस क्वेश्चन है, लेकिन अगर बाई चांस पेपर में आ गया तो सबसे हैवी वही माना जाएगा, और है भी कुछ नहीं, तुम कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसलिए मैं इसे करा रहा हूं।
तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि अक्सर बच्चों के ये यूटी वगैरह में दे दिया जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, कैन यू प्रिडिक्ट? पहले देख लेते हैं। देखो 1/7 उन्होंने हमें कितने के बराबर बता रखा है? उन्होंने हमें बताया है, देखो यू नो दैट, तुम जानते हो 1/7 इक्वल टू, तुम जानते हो कि 1/7 ये होता है, क्या होता है? 0.14287। एट सेवन सॉरी 1428 57, ये। और इसके पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, और इधर लिख देता हूं बाकी का, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ? तो देखो पहली बात तो ये है, उसने हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? इन सब की। आप ये बताइए कि 2/7 क्या होगा, 3/7, 4। प्रिडिक्ट का मतलब होता है फाइंड आउट करना, अंदाजा लगाना। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो इनकी वैल्यू क्या होगी विदाउट डिवाइडिंग। देखो डिवाइड करके तो कोई भी निकाल देगा, अभी अभी मैंने सिखाया है डिवाइड कैसे करते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं और वैल्यू आ जाएगी, है ना? लेकिन उन्होंने ये बात माना करी है। देखो लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हमें बताइए कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जब वो हमें मना कर देता है डिवाइड करने से, देखो डिवाइड करके तो ये सारे पार्ट निकल ही आएंगे। अगर वो मना नहीं करता तो मैं तुम्हें डिवाइड ही करवाता, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे डिवाइड करने के लिए मना करा है। तो ऐसे में वो क्या करता है, जब भी वो इतने सारे पार्ट हमसे देता है ना, तो डिवाइड मना कर देता है और एक वैल्यू जरूर देता है। थोड़ी देर के लिए ना इस बार को हटा दो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बार लगा रखा है ना उन्होंने, इस बार को थोड़ी देर के लिए हटा दो सॉल्यूशन के अंदर, बस इस बार को हम थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो डिजिट देगा ना, उस डिजिट के ऊपर जो बार लगा हुआ होता है, उस बार को थोड़ी देर के लिए हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है, देखो बोर्ड पे इस 2/7 को पता है मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो बोर्ड पे 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7। मैंने 2 अलग कर दिया और 1/7 अलग कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। देखो अब सेकंड पार्ट में अभी आ जाएगा तुम्हें अपने आप, ये मैंने करा क्या है इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, तुम खुद ही बता दोगे, मुझे इतना पता है। देखो बोर्ड पे अब 3/7, 3 × 1/7, 4/7, 4 × 1/7, बताओ 5 के लिए क्या बनेगा फिर? 5 × 1/7, और 6 के लिए 6 × 1/7। क्लियर? अब देखो अब आगे क्या करना है, पहले तो एक एक स्टेप में ही सॉल्व कर लिया करो, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना रब कर देता हूं, पहले मैं इन पार्ट को करा देता हूं, फिर बाद में इन पार्ट्स को करा दूंगा। पहले इसको देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो बोर्ड पे, ये तो क्लियर हो गया ना। 2/7 को मैंने क्या कर दिया, 2 × 1/7। देखो अगर ऐसा कुछ होता 2/8, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था 2 × 1/8। अगर ऐसा होता 3/9, तो इसको मैं क्या कर सकता था, 3 × 1/9। मतलब 1/ करके तुम उसको अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी ऊपर लिखा हुआ है करे ना, उसे अलग कर दे करो, 2 था 2 अलग कर दिया,
थ्री था, थ्री अलग कर दिया, फोर था, फोर को भी मैंने क्या कर दिया अलग। अब देखो आगे का क्या काम करना है, टू को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी थी, बताओ 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है। देखो 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, बिना बार के लिखनी है तुम्हें, इसलिए मैंने बार पहले ही हटा दिया है, तुम्हें अब बार से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बार दिया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बार से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बार दे चाहे वो बार ना दे। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इस वैल्यू को पूरा लिख दिया, अब तुम्हें मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब देखो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लाई करो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो। देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूं, टू से। तुमने देखा होगा मैंने पॉइंट को लिखा तक नहीं है, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को एंड में लगा देंगे, एंड में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल गए, और मल्टीप्लाई अब तुम कर सकते हो। मैं एक की करके दिखाऊंगा, बाकी पार्ट्स की तुम्हें करनी है। देखो मल्टीप्लाई क्या करना, मल्टीप्लाई तो सिंपल है, 7 2 14, 1 5 2 10, 1 8 2 16, 7 1 2 2 4, 1 5 4 2 8, 2 1 2। बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 2 8 5 7 1 4। अब मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई तो मेरे हिसाब से हर बच्चा कर लेना चाहिए 9th क्लास में। अब थी पॉइंट की सिरदर्दी, देखो बेशक मैंने यहां से पॉइंट हटाया, तुम लोग ऐसे मत हटाना, वो तो मैंने समझाने के लिए बिल्कुल ही गायब कर दिया था, तुम्हें नहीं काटना है, तुम्हें तो लगाए रखना है। अब देखो उस पॉइंट को लगाना कैसे, देखो यहां पर मैं कैसे लगाऊंगा, यहां पर था ना पॉइंट, बिना सोचे समझे यहां पर लगा दो, ये लग गया, वैल्यू आ चुकी है 2/7 की, क्या वैल्यू आ गई, 0.28571 4, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, बार उन्होंने लगा रखा था, हम भी अपना क्या लगा देंगे एंड में, बार, बार लगाना मत भूलना। देखो उन्होंने अगर बार लगाया होगा ना तुम भी लगाना, अगर उन्होंने अपने क्वेश्चन में बार नहीं लगाया होगा तो तुम भी मत लगाना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे गौर करो जरा, इसका तो तुम उतार ही लेना। अब देखो जरा, मैंने इसको 3/7 को 3 × 1/7 तोड़ा था ना, 3 को तो ऐसे ही रहने दो, 1/7 की उन्होंने फिर से वैल्यू दे रखी है, भाई देखो ये रही 1/7 की वैल्यू, लिख दो। अब हमें मल्टीप्लाई किससे देनी है, 3 से, और फिर से मैं क्या बोलूंगा, इस 0.0 को भूल जाओ, लेकिन एंड में जरूर लगाना है। भूलने का मतलब ये नहीं कि यहां से काट दिया करो, ये तो मैं समझाने के लिए काटता हूं, तुम्हें अपने सॉल्यूशन में तो यहां पे लिखना है, ठीक है। भूलने का मतलब है मल्टीप्लाई में इसका कोई काम नहीं है, मल्टीप्लाई तुम्हें इसकी इससे देनी है, और एंड में क्या लगा देना है, 0.0 बस। तो मल्टीप्लाई देते जाओ लगाते जाओ, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई किससे दोगे, 4 से, 5 वाले में किससे दोगे, 5 से, 6 वाले में किससे दोगे, 6 से। तो बाकी के पार्ट्स मैं क्लास में चेक करूंगा एक एक पार्ट, किसने आंसर निकाला है और किसने नहीं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पर टिक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस हिसाब से, अगर पेपर में बाय चांस आ जाता है तो। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने लायक नहीं था।